हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसको रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी, और ये रीडिंग सभी जोडियक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडियक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, आज हम ट्विन फ्लेम सोलमेट्स पर रीडिंग करेंगे, डीएम की करेंट एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम टू लव डेक से देखेंगे क्या है आपके डीएम की करेंट एनर्जी, वो कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के बारे में। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के डीएम की क्या एनर्जी है इस टाइम मेरे व्यूअर्स को लेकर। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, डिवाइन फेमिनिन, ये हुई ना बात, ओके, इनर पीस, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, एंड फॉरगिवनेस, ओके, यहाँ से आया है कमिटमेंट। तो गाइस, क्या है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स इस टाइम, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो गाइस, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके पार्टनर्स हैं ना, वो इस टाइम आपके पार्टनर अपने आप को रीपेरेंट करने में लगे हुए हैं, मतलब अपने ही आपका एक अच्छा वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर्स ऐसे थे जो आपको पसंद नहीं आ रहे थे, उनका जो भी बिहेवियर था, जो भी उनकी हरकतें थी आपको पसंद नहीं आ रही थी, तो वो उनको चेंज करने की कोशिश करें, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कार्ड आया रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, उसके बाद गाइज सेल्फ रिस्पेक्ट। तो गाइज, आपके पार्टनर अब समझ रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना प्यार करते हैं, और उनको कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें समझ में आ रहा है कि आप कितने सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कितना प्यार है। मतलब कुल मिला के वो ऐसे समझते हैं कि हाँ, ये इंसान है कुछ इसकी, मतलब अब वो समझने लगे हैं, अब वो आपकी रिस्पेक्ट, अगर मैं कहूँ ना, आपको अप्रिशिएट करने लगे हैं, आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा उनके मन में बढ़ गई है। और यहाँ पर डिवाइन फैमिलिन का कार्ड आया गाइस, तो दिखा रहा है कि वो आपको अब डिवाइन फैमिलिन के रूप में देखने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जैसा अच्छा इंसान उन्हें कहीं नहीं मिल सकता, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ब्यूटीफुल, हर तरीके से लायक, हर तरीके से इंडिपेंडेंट, तो वो आपको एज ए डिवाइन फैमिलिन देखने लगे हैं, ऐसा उनकी करेंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है मुझे। उसके बाद है इनर पीस, तो कहीं ना कहीं गाइज उन्हें ना जो उनके अंदर ना अभी हल्का फुल्का इनर पीस लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो अपने पीस को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में भी आ रहे हैं, तो उनका जो पीस है, जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो जो पीस उन्होंने खो दिया, उस पीस को तलाशने की आपके पार्टनर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई है, लड़ाई झगड़े जो कुछ भी है, ये कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, और आप देखिए चाहते हो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, आप चाहते हो कि आप सिचुएशन को बिल्कुल ठीक कर लो, लेकिन अभी आपके पार्टनर रेडी नहीं है, क्योंकि वो अभी भी कुछ चेंजेस उनमें आना बाकी है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपको तो समझ चुके हैं कि आप हर तरीके से लायक हो, लेकिन अभी वो ये सोच रहे हैं कि उनको अभी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ से फॉरगिवनेस की एनर्जी है जो दिखा रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आपसे लिटरली ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, या फिर ये कहो कि मुझे उस समय इतनी समझ नहीं थी, इस तरह की एनर्जीज भी दिखाई दे रही। और यहाँ से कमिटमेंट भी आएगा इस, तो ये दिखा रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो पीस है ना वो आपसे ही है, तो वो आप ही को तलाश करते हैं हर जगह, तो वो आपसे कमिटमेंट, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम टैरो से देखते हैं इस टाइम आपके डीएम की एनर्जी क्या है।
प्लीज एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के डीएम की एनर्जी इस टाइम में क्या चल रही है। फर्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ कप्स। द फूल Ace of Swords, Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, Ace of Wands, King of Pentacles, and Queen of Cups। यहाँ से आया हाई प्रीस्टेस। गाइज कार्ड दिखा रहे हैं कि आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी अभी भी बनी हुई है। दो दो क्वीन निकल कर आई हैं, बॉटम से हाई प्रीस्टेस भी हैं, तो जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि आप लोगों के अभी कनेक्शन में थर्ड पार्टी है और आपको इस चीज़ से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी जो भी है उसे तो जाना ही है। फिलहाल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर्स आपको कोई ना कोई जेस्चर करना चाहते हैं, आपकी तरफ कॉल मैसेजेस कुछ ना कुछ उनके माइंड में है कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, आपसे बात करें, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद पेज ऑफ कप्स। उसके बाद द फूल दिखा रहे कि रिकन्सिलेशन भी इनके मन में है, चाहते हैं आपसे रिकनसाइल करना, आपसे आपके पास आना। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी आया जो दिखा रहे हैं न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों दिखा रहे हैं, दो दो एसेस के कार्ड्स हैं, तो गाइज आप लोगों के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये भी दिखा रहा है यहाँ पे। और गाइज यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये दिखा रहा है कि आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो आप, कुल मिला के आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के ऊपर ये कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है कि वो आपको इसी एनर्जी में देख रहे हो। और ये एक डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटी भी होती है कि वो हर तरीके से इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पर आप इस लड़की को देख सकते हैं, ये हर तरीके से इंडिपेंडेंट है, तो कुछ ऐसी क्वालिटीज डिवाइन फेमिनिन की होती हैं जिसको किसी की नीड नहीं होती, जो सबकी नीड पूरी कर सकती है। तो ऐसे ही पार्टनर्स आपके देख रहे हैं आपको इस एनर्जी में। इसके बाद गाइज यहाँ पर कपल भी निकल कर आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग डेफिनेटली एक डिवाइन कनेक्शन में हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ये भी क्लियरली, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की रीडिंग कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से निकल के भी आया है डिवाइन कनेक्शन जो कि दिखा रहे हैं। लेकिन गाइज आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये क्वीन का जो मुंह है वो इस तरफ है एंड किंग उस तरफ देख रहे हैं, तो लाइक ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी अपने पेंटिकल्स पर बिजी हो, आप दोनों ही एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, आप अपने वर्क एरिया में बिजी हो, आपके पार्टनर अपने वर्क एरिया में बिजी है, वो अबंडेंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी है आप दोनों के केस में, क्योंकि दो क्वीन निकल कर आई तो एक और क्वीन है आप लोगों के, एक और थर्ड पार्टी है कोई आपके कनेक्शन में। उसके बाद यहाँ से बॉटम से हाई प्रिस्टेस एंड डेविल है और फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, बॉटम की एनर्जी बहुत डिफिकल्ट है गाइस। आपके पार्टनर जो है वो स्टक महसूस कर रहे हैं, उनके लोगों के साथ लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, नेगेटिविटी आपके कनेक्शन में अभी भी बनी हुई है एंड हाई प्रिस्टेस यहाँ से निकल कर आई है। तो गाइस आप लोगों को इस समय पे मैं बता दूं, आप लोगों को अपने इंट्यूशंस की जो भी आपके इंट्यूशंस आपको बोल रहे हैं उसको आपको वैल्यू करने की ज़रूरत है, आपको अपने इंट्यूशंस की सुनने की ज़रूरत है। इस टाइम हाई प्रिस्टेस दिखा रही है कि इस टाइम आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपने इंट्यूशंस को ध्यान में रख के करें और जितना हो सके बैलेंस में रहने की कोशिश करें, आपको बैलेंस में रहने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको थर्ड पार्टी से डरना नहीं है गाइस, थर्ड पार्टी जो भी है वो चली जाएगी, क्योंकि कनेक्शन आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट है, तो आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है? आप समझ गए हो कि कनेक्शन क्या है, तो आप इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं कर सकते। उसके बाद हम अब यहाँ से देखेंगे साइक टैरोट से कुछ, प्लीज एंजल्स गाइड करें क्या चल रहा है डीएम की लाइफ में। फर्स्ट कार्ड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। तो गाइज अभी भी आपके कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं, ये अभी तक खत्म नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं आप लोगों की लाइफ में। विजडम, तो गाइज आपके पार्टनर
विजडम गेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस कनेक्शन के बारे में भी समझ में आ रहा है, दिन प्रतिदिन की नॉलेज भी बढ़ती जा रही है। और गाइज यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, यहाँ पर डबल फाइव की एनर्जी है, यहाँ पर 55 है, जो कि दिखा रहे गाइज कि आप लोग की लाइफ में चेंज आ रहा है। 55 मास्टर नंबर प्रेजेंट है और 5 नंबर चेंज को दिखाता है, तो गाइज आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं कंटिन्यूस वे में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर रहना है, जितना हो सके बैलेंस बना के रखना है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है 4 फ्रॉम फाउंडेशन, तो आप अपने अचीवमेंट्स पर, अपने फाउंडेशन पर, अपने वर्क एरिया पर ध्यान दीजिए, अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कीजिए, आप लाइक बनने की कोशिश कीजिए हर तरीके से। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए, जितने भी लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, उनका यूनियन नज़दीक है, लेकिन जितने भी लोग अभी भी डिपेंडेंट हैं अपनी चीज़ों के लिए, उनको ज़रूरत है इंडिपेंडेंट होने की, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट कार्ड हारमोनी, तो गाइज आपके पार्टनर हारमोनी आपके साथ हारमोनियस कनेक्शन देखते हैं, उन्हें समझ में आता है कि आपके साथ कोई स्पेशल बॉन्ड है और अब उन्हें इस चीज़ का एहसास होने लगा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा। और देखते हैं इंट्यूशन, देखिए गाइज वहाँ से हाई प्रिस्टेस आई थी, यहाँ से इंट्यूशन आया, तो आप लोगों को इस टाइम में जो भी डिसीजंस लेने हैं वो इंट्यूशन को ध्यान में रख के लेने हैं, आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको कुछ भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने जो आपको बाद में जाके प्रॉब्लम दे, है ना गाइस। कोई भी अगर ट्रिगर मिलता है कोई भी आपको, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, इजीली काम इजी वे में उस चीज़ को निकाल देना है, क्योंकि डिवाइन आपको कहीं ना कहीं टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। तो इंट्यूशंस आपके कभी भी गलत नहीं बोलेंगे, अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड है लव बिगिंस, तो गाइस यहाँ पर वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है शैडो, तो गाइज वो अपनी शैडो साइड पर वर्क कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी क्या कमी है, वो अपने अंदर ही खुद को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कमियों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर शैडो वर्क कर रहे हैं इस टाइम, अपने ही अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अथॉरिटी, तो गाइज अथॉरिटी में आने की भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपने वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान है उनका, बहुत फोकस्ड है इस टाइम अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ से आया है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो गाइज आपके पार्टनर जो हैं वो पॉजिटिव मूव ले रहे हैं आगे की तरफ। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर मुझे इस टाइम ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कार्ड देख के, कि आपके पार्टनर को अब धीरे धीरे इस कनेक्शन की रियलिटी पता चल रही है कि आप लोगों के साथ कनेक्शन उनका थोड़ा डिफरेंट कनेक्शन है। इसके बाद इस कनेक्शन में अभी भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं, पहले ही कार्ड निकल कर आया था। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर रहे हैं, अपने फाउंडेशंस अचीवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी उन्हें जो कुछ भी लाइफ में अचीव करना है उस चीज़ पर बहुत फोकस्ड है, और आप भी फोकस्ड रहिए, आपके साथ एक हार्मोनियस कनेक्शन को फील करते हैं। इंट्यूशंस गाइस, तो इस टाइम पर आप जो कोई भी डिसीजन लो वो आपको हड़बड़ाहट में नहीं लेना है, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुनना है उसके बाद डिसीजन लेना है। लव बिगिंस का कार्ड जो कि दिखा रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, शैडो साइड पर वर्क चल रहा है इस टाइम, अपने ही अंदर अपनी कमियों को देख पा रहे हैं वो साफ साफ, कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर मुझे क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एंड अथॉरिटी दिखा रहा है कि अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि अब करियर ही है जो इनको थोड़ा सा आपकी यादों से बाहर लेकर आ सकता है, वरना ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, ऐसी भी एनर्जीज दिखाई दे रही है। एंजल से पूछेंगे कि वो आपको क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस टफ टाइम में। स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप भी अपने करियर पर फोकस करिए, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए, बहुत दिनों के बाद ये कार्ड आया है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, सो आप जो भी अचीव करना चाहते थे उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, बहुत पास हो, ठीक है ना। तो गिवअप नहीं करना है, बिल्कुल गिवअप नहीं करना है, ना ही कनेक्शन पर ना ही करियर पर, दोनों पर फोकस बना के चलिए। बस ये है कि चेज नहीं करना है, चेजिंग एनर्जी बाहर रहना है, ठीक है गाइस। यहाँ से आया द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस करिए, आपको ऐसी एनर्जीज़ में नहीं रहना है कि आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाओ,
एंड यहाँ से आए, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. तो पास्ट किसी भी बात को याद करके परेशान नहीं होना है, अपने आप को दुखी नहीं करना है. एंड अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एंजल्स आपके लिए कुछ ना कुछ अप्रोच लगा रहे हैं यहाँ पे. एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको अभी वक्त के साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत है. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की पूरी पूरी ज़रूरत है यहाँ पर. आप अपने ड्रीम्स के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए. ठीक है गाइज, तो इस टाइम मुझे आपके पार्टनर्स की सिचुएशंस भी ठीक दिख रही है अभी. हालांकि आप लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत जल्दी निकल जाएगी. ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रिलेशनशिप होता है ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स का, तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस बनाने की ज़रूरत है. और यहाँ से आया है कि इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपको इमोशंस पर बहुत ज़्यादा अपने बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. और डिसीजन वही लीजिएगा जो आपके इंट्यूशंस आपको बताएं, क्योंकि आपके इंट्यूशंस ही आपको सही गाइड कर रहे होंगे इस टाइम, है ना गाइस. चलिए हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे. तुम मेरी जिंदगी की आखिरी मोहब्बत हो, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा. आई एम इन लव विथ एवरी मोमेंट आई स्पेंड विथ यू, एंड जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन हो आखिरी मेरी जिंदगी का. इफ यू आर नॉट हैप्पी आई विल बी योर स्माइल, आई प्रोमिस यू नो वन विल एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट. If you want to cry, I will be your shoulder. Love keeps you alive. तो गाइज ये थे मैसेजेस, मैंने ज़्यादा मैसेजेस नहीं लिए हैं, ठीक है. तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपकी रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू गाइज़.